नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंकास वर्ल्ड ऑफ न्यूरोलॉजी में और मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका। आज की इस वीडियो में मैं छात्रों के लिए कुछ अच्छी बातें, कुछ मोटिवेशनल बातें और कुछ अच्छी रेमेडीज़ जो कि बहुत इजी हैं वो लेके आई हूं। मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के लिए उनका समय कितना महत्वपूर्ण है और उनके लिए उनके समय की क्या उपयोगिता है। सारे स्टूडेंट इस समय अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे, जो इस समय बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो फोकस कर रहे होंगे। तो मैं चाहूँगी कि मेरी छोटी सी ये वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा और हो सकता है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आप मेरी रेमेडीज़ जो कि बहुत इजी हैं, सिंपल हैं, जो कि आगे चल के मैं बता रही हूँ, आपको अगर वो फॉलो करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाए और आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो आइए अब मैं अपनी बातें आपसे शेयर करती हूँ। आप छात्रों के बोर्ड एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं, इस समय की उपयोगिता आपने, मुझे पता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे और इसकी उपयोगिता क्या है ये आप सबको पता होगा। कहते हैं ना कि व्यक्ति जो मेहनत की उंगली थामे रखता है उनको सफलता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है और सब जानता है कि संघर्ष के बगैर कोई व्यक्ति महान नहीं बनता है, क्योंकि माचिस की तीली को भी रोशनी करने के लिए खुद को जलाना पड़ता है। तो जो हमारे छात्र हैं जो इस समय एग्ज़ाम्स देने की तैयारी कर रहे हैं, जो अपना 100% दे रहे हैं, उन्हें भी कोई नहीं रोक सकता है अपनी सफलता हासिल करने के लिए। बस आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी हैं, जो रेमेडीज़ हैं बहुत सिंपल सी हैं, जो आप बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं और अपने कंसंट्रेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आइए जान भी लेते हैं कि वो रेमेडीज़ क्या हैं और आपको क्या करना चाहिए। आप सब ने अपना रूटीन बनाया होगा और आप उसे फॉलो कर रहे होंगे, तो उस रूटीन में मेरी एक छोटी सी लाइन है, छोटी सी बातें हैं जो आप उसे भी जोड़ लें और फॉलो करें। जब भी आप पढ़ाई करना शुरू करें तो आपको बस एक 2 लाइन की प्रेयर करनी है जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करेगी अपना माइंड एकाग्र करने में। ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित्य सुमरी तोय, हाथ जोड़ विनती करूं विद्या वर दे मोय। कभी भी पढ़ाई शुरू करें तो इस 2 लाइन का, इस मंत्रों के साथ आप शुरुआत करें। यकीन मानिए आपका ध्यान और अच्छा होगा और आप जो भी चीज़ याद कर रहे हैं या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से अपने आप में ग्रहण कर पाएंगे और उसको आप बहुत अच्छे से ले पाएंगे और आपका मन एकाग्रचित रहेगा। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, मीन्स अपने स्टडी रूम में या जो भी आप लोकेशन चूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके पीछे, पीठ के पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो रोशनी आती है या जो हवाएं आती हैं वो अशुभ होती हैं जो कि आपके पीठ पे आती हैं। हमेशा ऐसी जगह चूज़ कीजिए जो कि सामने रोशनी आए, सामने से हवा आए, जो कि आपके मन को एकाग्रचित बनाए। तो जब पढ़ाई करते समय आप अपने इस लोकेशन का, मीन्स आपका स्टडी रूम हो या आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके पीठ के पीछे खिड़की ना हो जो कि अशुभ प्रभाव डाले। तो हमेशा शुभ वातावरण में पढ़ने से और भी सकारात्मकता आती है और चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। पढ़ाई करते समय आप एक एजुकेशनल टावर आता है, किसी भी वास्तु के आप शॉप पे जाएंगे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, अपने टेबल पे ज़रूर रखें। उससे क्या होता है, उससे बहुत ही पॉजिटिव रेज निकलती हैं जो कि आपके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट डालती हैं। तो एजुकेशनल टावर अपने स्टडी टेबल पे रखें या जहाँ पढ़ रहे हैं उसके आसपास रखें, बहुत अच्छा इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ज़रूर कीजिएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इस स्फटिक का गोला जो आता है उसको उत्तर दिशा में अपने पढ़ने वाले लोकेशन में लगा सकते हैं, उससे भी जो रेज निकलेंगी आप पे बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होगा और आपको खुद इतनी अच्छी फीलिंग आएगी कि लगेगा कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ या जो कैसे करना है उसका एक जो सही दिशा है वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। आप करके देखिए, बहुत सिंपल है और बहुत आसान है अपने आप को एकाग्र करने के लिए। ये एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम लोग भी इस दौर से गुजरे हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमें कोई मोटिवेट करता रहे या हमें कुछ अच्छी चीज़ें बताएं, अच्छी बातें बताएं, जिसे हम चल के उसका अनुसरण करके हम आगे पहुंच पाएँ। और लास्ट में बेस्ट ऑफ लक आप सभी छात्रों को जो कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जो अपना फ्यूचर बना रहे हैं या हर वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, बहुत आगे जाइए। और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।